वन नेशन वन इलेक्शन कब होगा वो तो देश की पार्लियामेंट तय करेगी, परंतु वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विचार ये है कि इस देश में बार बार चुनाव होते रहे थे। कभी तीन राज्यों के चुनाव होते हैं, कभी किस साल में चार राज्यों के होते हैं, किस साल में छह राज्यों के होते हैं, पांच साल में एक बार पार्लियामेंट का भी चुनाव हो जाता है और जनता चुनावों में बिजी रहती है। इससे ज्यादा रिपीटेड खर्चा होता रहता है, रिपीटेड खर्चा होता है। तीसरा, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पॉलिसी मेकिंग की सिस्टम भी प्रभावित होती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है और इसके साथ साथ डेवलपमेंट के सारे काम कोड ऑफ कंडक्ट के कारण रुक जाते हैं। मैं मानता हूं इससे देश की बहुत बड़ी हानि है। और दूसरा, एक साथ चुनाव होने से खर्चे का व्यय कम होगा, पॉलिसी मेकिंग में सरलता हो जाएगी और जनता भी कंफ्यूजन के बगैर जिसको चाहेगी उसको पांच साल के लिए काम सौंप कर देश के विकास के काम में लग जाएगी, अपने परिवार को समृद्ध बनाने के काम में लग जाएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक सॉल्यूशन है। देश इसी रास्ते पर 1960 तक लगभग चला, फिर इंदिरा जी ने सरकारें गिराना शुरू की, सरकारें गिर गई तो जनरल इलेक्शन और स्टेट के इलेक्शनों का गणित बिगड़ गया और एक के बाद एक राज्य जनरल इलेक्शन से अलग होते रहे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो एक देश में एक ही तिथि होगी जिस तिथि पर विधानसभा और लोकसभा की रचना हो जाएगी, काम समाप्त, बाकी सारा पांच साल तक जिसको जनता बागडोर सौंपती है वो चलाते रहें। मैं मानता हूं इससे हमारी डेमोक्रेसी बड़ी श्रेणी होगी।